दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सेलेक्शन फर्नीचर, घर ऑफिस या होटल हर फर्नीचर का साथी। बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा, 8 जुलाई को होगा मतदान। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभालते ही पूर्व मुख्य सचिव रहे राजीव सिन्हा ने बहुप्रतीक्षित पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि आगामी 8 जुलाई को राज्य में पंचायत चुनाव होंगे। इसके लिए आज से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक राजनीतिक जनसभाओं पर रोक लगा दी गई है। बंगाल में हिंदुओं ने बड़ी संख्या में कबूला इस्लाम, एनसीबीसी चेयरमैन का दावा। कहा, ओबीसी में शामिल किए गए बांग्लादेशी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहिर ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुस्लिम समुदाय में शामिल किया गया। सिलीगुड़ी में सिलसिलेवार हत्या व कानून व्यवस्था चरमराने के आरोप में हिलका रोड में सीपीआईएम की विरोध रैली। सिलीगुड़ी शहर में पिछले कुछ दिनों से हत्या तथा महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है। इसके विरोध में दार्जिलिंग जिला माकपा सड़क पर उतर आई। सीपीआईएम पार्टी कार्यालय अनिल विश्वास भवन के सामने से हिलका रोड में विरोध मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व पूर्व विधायक व सिलीगुड़ी के पूर्व मेयर अशोक भट्टाचार्य ने किया। अलीपुरद्वार के सांसद और केंद्र मंत्री जॉन बरला पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने का लगा आरोप। तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश चिकबड़ाइक ने अलीपुरद्वार जीआरपी में दर्ज कराई शिकायत। उल्लेखनीय है कि मंत्री व सांसद जॉन बरला 29 मई को न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन गए थे। उस दिन गुवाहाटी से वंदे भारत ट्रेन चली व अलीपुरद्वार स्टेशन से गुजरी। इस दौरान स्टेशन पर बैठकर सांसद जॉन बरला को राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल पंखे की तरह करते देखा गया। भारत नेपाल के बीच पर्यटन उद्योग का होगा विस्तार, दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने की चर्चा। भारत और नेपाल के बीच पर्यटन के विस्तार के लिए सिलीगुड़ी में 5वीं इंडो नेपाल फ्रेंडशिप मीट का आयोजन किया गया। यह बैठक नेपाल के महावाणिज्य दूतावास द्वारा भारत में पर्यटन उद्योग को नेपाल में पर्यटन उद्योग से जोड़ने के लिए सिलीगुड़ी के एक होटल में यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत नेपाल के पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग शामिल रहे। सत्ता से बेदखल वाम मोर्चा कर रहा है पश्चाताप, गलतियां सुधार कर जनता के बीच जाने का किया ऐलान। टीएमसी और बीजेपी पर साधा निशाना। सिलीगुड़ी के वरिष्ठ सीपीआईएम नेता अभिजीत मजुमदार ने कहा, हम अगर फिर से सरकार बनाएंगे तो वह सरकार पिछले लेफ्ट फ्रंट की सरकार से बेहतर होगी। इसके लिए जरूरी है कि जो गलती पार्टी ने किया है उसे दोहराया ना जाए। साथ ही उन्होंने कहा, केंद्र की बीजेपी सरकार और बंगाल की टीएमसी सरकार दोनों ही भ्रष्टाचार लिप्त है। राज्य के सूचना संस्कृति एवं खेल विभाग की स्टैंडिंग कमेटी की अहम बैठक अलीपुरद्वार सर्किट हाउस में हुई। स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष व विधायक राज चक्रवर्ती, विधायक अदिति मुंशी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम व स्विमिंग पूल की व्यवस्था कराने के संबंध में गणमान्य लोगों ने समिति का ध्यान आकर्षित किया। इसके साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। रसायन शास्त्र में रिसर्च का स्कॉलरशिप पाकर अमेरिका जा रही है जलपाईगुड़ी की सुरंजना। जलपाईगुड़ी की सुरंजना दाम भारतीय विज्ञान की एवं अनुसंधान संस्था कोलकाता की छात्रा है। हाल ही में सुरंजना को अमेरिका में रिसर्च के लिए कॉल आया। सूचना कार्बनिक रसायन में पर्यावरण के अनुकूल उत्प्रेरकों पर शोध करने के लिए अगले अगस्त में अमेरिका जाएगी। जलपाईगुड़ी में पंचायत चुनाव की तिथि घोषित होते ही तृणमूल कांग्रेस का दीवार लेखन शुरू। जलपाईगुड़ी में अरविंद ग्राम पंचायत क्षेत्र के तृणमूल नेता व कार्यकर्ता आज से ही दीवार लेखन में लग गए हैं। तृणमूल पहले से ही मैदान में है ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले। क्षेत्र में रास्ता बनाने का काम तेजी से चल रहा है। क्षेत्र के मतदाता इस सड़क के माध्यम से मतदान केंद्र तक जा सकते हैं। क्षेत्र के पंचायत सदस्य राजेश मंडल ने कहा कि इससे काफी फायदा होगा। मालदा में पंचायत चुनाव की तिथि घोषित होते ही तृणमूल कांग्रेस ने शुरू की तैयारियां। आज हरिश्चंद्र एक नंबर ब्लॉक के 7 अंचलों वाले तुलसीहाटा उच्च विद्यालय में ब्लॉक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन से पार्टी क्षेत्रीय समिति और बूथ समितियों का गठन किया गया। कॉन्फ्रेंस में पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा, ममता बनर्जी के निर्देश में प्रदेश भर में विभिन्न समाज कल्याण परियोजनाओं का प्रसार किया जा रहा है।
हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स परनामी मंदिर रोड में ASGI हॉस्पिटल के पास में है। हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं। दिस डोर्स आर कस्टमाइज्ड डोर्स, योर टेस्ट, योर कलर, योर डिजाइन, 3D डिजाइंस भी पॉसिबल है। दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 रुपीज। दिस ऑल कैरीज अ वारंटी ऑफ 5 years। वी डू 3D कार्विंग ऑन द डोर। ये टीकूड डोर है, 100% प्योर टीकूड। हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा फ्लावर पैटर्न डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं। दिस ऑल आर PU पॉलिश्ड। दिस इज अ रियल पाइनवुड डोर। ये रॉ डोर है, ये हार्डवुड से बना हुआ है। एक करोड़ साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो। श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस् काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टी सित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति गोप्य शत्रु व्यवसायमा समस्या, दोकान ठीक सित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाई इत्यादि, यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर 6375847663। 50-70% कम किमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। फॉर रेडी एंड कस्टमाइज्ड फर्नीचर विजिट सिलेक्शन फर्नीचर, फर्स्ट फ्लोर, मेट्रो हाइट्स, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9832011336।